मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का पार्ट नंबर 5। अब तक आप चार पार्ट सब इसके देख चुके हैं और चार पार्ट में हम 6 रूल्स मैं आपको लिखवा चुका हूँ और समझा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 7 की। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में रूल नंबर 7 क्या कहता है, अगर बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका कहने का मतलब सीधा सा है कि बिफोर का सेंटेंस होगा तो उसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक बिफोर से पहले और एक बिफोर के बाद। तो अगर पहले वाला सेंटेंस बिफोर का प्रेजेंट में होगा तो बाद वाला सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट में ही होगा, और अगर बाद वाला प्रेजेंट तो पहले वाला भी प्रेजेंट, और पहले वाला प्रेजेंट तो बाद वाला भी प्रेजेंट। अब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा ये आपके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि वर्ब भी अगर फर्स्ट फॉर्म होगी बिफोर वाले सेंटेंस में, अगर बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसके बाद वाले में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने, ही ब्लैंक स्पेस मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड। जब इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड नंबर वाक्य में बिफोर के बाद देखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है। हमने देखा वर्ब सिंगल आई हुई है और वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज है। इट मींस बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट में है, तो बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो भी प्रेजेंट में ही होगा। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ही है, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टैग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टैग होती है। लेकिन नियम कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज होती है तो उसके साथ एस या ईएस लगता है। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ अकॉर्डिंग टू रूल एस एस का यूज होता है तो इसके साथ लग जाएगा एस। ही टेक्स मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड। ये था हमारा रूल नंबर 7। शॉर्टकट में रिपीट कर देता हूं कि बिफोर का सेंटेंस होगा अगर फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में तो सेकंड भी प्रेजेंट में, और सेकंड अगर प्रेजेंट में तो फर्स्ट भी प्रेजेंट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो ये था हमारा रूल नंबर 7। अब हम बात कर लेते हैं एक रूल नंबर 8 की। तो रूल 8 क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 8 बिफोर पे ही है, ये भी बिफोर पे डिपेंडेबल है। रूल नंबर 8 ये कहता है कि बिफोर का कोई भी सेंटेंस है, बिफोर का कोई भी सेंटेंस है, अगर बिफोर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा इट मींस ये पास्ट हो गया, तो इसका ये तो बात कंफर्म हो गई कि पहले वाला पास्ट होगा तो दूसरा वाला भी पास्ट होगा। लेकिन बिफोर से पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है तो बाद में हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, क्योंकि ये पास्ट होगा तो सेकंड नंबर जो सेंटेंस होगा बिफोर वाले में वो भी पास्ट का ही होगा। सेकंड रूल कहता है कि अगर बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा तो बाद में जो फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, द पेशेंट ब्लैंक स्पेस डाई बिफोर, ये ब्लैंक में है आपका, मतलब ब्रैकेट में है, बिफोर द डॉक्टर केम। अब हमने देखा इस सेंटेंस में कि द पेशेंट ब्लैंक, फिल द ब्लैंक्स दे दिया आपको, यहां आपको दे दिया डाई जिसका आपको कन्वर्ट करके लिखना है। बिफोर के बाद में देखिए डॉक्टर के साथ केम आया हुआ है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो हैड प्लस थर्ड का यूज होगा, और हैड प्लस अगर थर्ड होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। सेंटेंस में क्या आया मिलेगा आपको, बिफोर, या कभी कभी इसमें आफ्टर भी आता है। तो यहाँ वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म होगी तो यहाँ आएगा हैड प्लस थर्ड, यानी यहाँ बन जाएगा हैड डाइड,
The patient had died before the doctor came. शॉर्टकट सा आपको मैं नॉर्मली इसमें बता देता हूँ कि जो काम पहले होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जो काम पहले होता है उसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है और जो काम बाद में होता है उसमें वर्ब भी सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो आज मैंने आपको करंट फॉर्म ऑफ वर्ब के पार्ट 5 में रूल नंबर 7 और 8 कराए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ मैं आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।